हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोनिका व्लॉग्स। तो दोस्तों, हाल ही में हमने अमेजन से एक शू रैक ऑर्डर किया है जिसकी कॉस्ट अराउंड 3500 है और ये शू रैक 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है जिसमें हमें 24 घंटे के अंदर अंदर हमें हमारा नाम और हमारा प्रोडक्ट नेम व्हाट्सअप करना होगा और व्हाट्सअप नंबर इस पैम्पलेट पे दिया है और इसके साथ साथ हमें 200 रुपीज़ का कैशबैक भी मिलेगा। ये शू रैक 20 पेयर ऑफ शूज स्टोर कर सकता है और इसके लिए इन्होंने 2 अलग अलग बॉक्सेस में हमें इनके पैनल्स और कनेक्टर्स दिए हैं। चलिए अब दोनों बॉक्सेस से हम सारा सामान बाहर निकाल लेते हैं। दोनों बॉक्सेस के अंदर हमें असेंबली इंस्ट्रक्शंस के पैम्पलेट मिल जाते हैं। वही कनेक्टर्स जो हैं दोनों बॉक्सेस में 24 दिए गए हैं और एक एक हैमर दिया गया है। तो अब यहाँ हमने सारा सामान बॉक्सेस से बाहर निकाल दिया है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि हमें सारे पैनल्स पूरे मिले हैं या नहीं। तो चलिए अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। असेंबलिंग के लिए जो सबसे पहली शीट हमने ली है बेस बनाने के लिए वो है 35x45 cm और ये हमें टोटल मिली है 12 शीट्स। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है कनेक्टर्स के डायरेक्शंस की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अगर कनेक्टर्स सही नहीं लगेंगे तो आपकी शीट्स जो हैं ठीक से नहीं लग पाएगी और ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन वर्क करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और अब जो यहाँ पर साइड में शीट्स लगने वाली हैं वो है 35x17 cm और ये हमें मिली है टोटल 20 शीट्स। एक बात और, हमें ये जो साइड में लगने वाली शीट्स है ये हमें 4 एक्स्ट्रा शीट्स दी गई हैं। अब ये उनसे गलती से हो गया है या फिर उन्होंने डेलिब्रेटली हमें ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड की हैं, डोंट नो। तो अब हमें इसी तरह से सारी शीट्स को कनेक्टर्स में लगा देना है और हम जो पीछे से शीट लगा रहे हैं ये है 45x17 cm जो कि हमें 10 रिसीव हुई हैं। तो चलिए अब हम इसे जल्दी से तैयार कर लेते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टर्स की। तो क्या होता है कि जब हम एक शीट को कनेक्टर में लगाते हैं तो दूसरी शीट जो है वो लूज़ हो जाती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम कनेक्टर्स लगा रहे हैं तो तीनों शीट्स जो हैं वो ठीक से यहाँ पर लग सकें। आप चाहें तो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 5x5 लेयर का अलग अलग कैबिनेट तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों लेयर्स यानी कि 5x5 लेयर्स को इकट्ठा जोड़ दिया है, इकट्ठा ही उसे असेंबल कर दिया है ताकि वो बड़ा सा कैबिनेट बन जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा शू रैक लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसमें लास्ट की शीट्स लगाने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे फाइनल टच दे देते हैं, हम इसके अब डोज लगा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा शू रैक पूरी तरह से रेडी हो गया है और देखने में ये काफी क्लासिक, काफी अच्छा लग रहा है। और वही आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा शीट बच गई है और कुछ एक्स्ट्रा कनेक्टर्स भी बच गए हैं। अच्छा, कौन सा अच्छा लगा आपको? ये वाला अच्छा लगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको ये शू रैक खरीदना चाहिए या नहीं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप ये शू रैक जरूर खरीदिए। इसमें जितना भी मटेरियल यूज किया गया है वो सारा प्लास्टिक है और वाटर प्रूफ है। इसका प्लास्टिक काफी अच्छी क्वालिटी का है और दिखने में ये शू रैक काफी डिसेंट और एलिगेंट लगता है। हर एक क्यूब में 2 पेयर ऑफ शूज इजीली फिट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी असेंबलिंग की। तो ये इजी टू असेंबल है, इजी टू इंस्टॉल है, पोर्टेबल है, एक्सपेंडेबल है। ये एक मल्टीपर्पज कैबिनेट है जिसे हम बुक्स, क्लोथ्स और टॉयज को स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये रैक वर्थ बाइंग है, स्टर्डी है, स्पेशियस है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ, असेंबलिंग के लिए इसमें थोड़ा सा ब्रेन वर्क की जरूरत पड़ती है। अगर आप ही शू रैक लेने का सोच रहे हैं तो इस शू रैक को जरूर खरीदिए, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। और हाँ, परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ चेकआउट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।